सावन का मौसम हो, माहौल में खुशगवार नमी का एहसास रचा हुआ हो, परिंदों की खूबसूरत आवाजें फजा में नगमगी बखेर रही हों, तो इस आलम में भी एक परिंदे की नुमाया आवाज रूह में उतरती महसूस होती है। एक ऐसा परिंदा जो पीहू पीहू की दिल में उतर जाने वाली सदा से इस सारी कैफियत पर छा जाता है। मौसीकी का भी कुछ ऐसा ही असर होता है। अपनी मेहनत और रियाज से कोई ना कोई मौसीकी के इस चमन में अपनी आवाज का जादू कुछ इस तरह बखेरता है कि समाज के सारे दर उसी एक जानब खुल जाते हैं। हमारे मुल्क में हल्की मौसीकी में बहुत से फनकारों ने दिलों को अपनी तरफ मायल किया है, मगर एक आवाज जो आज की नुमाया आवाज है दिलों में भी अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है, और वो आवाज है आबदा परवीन। आवाज की खूबसूरती, रागों की नुदरत, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के सुरों में कहे गए कलाम को उन्हीं खूबसूरत सुरों में पेश करना इनका कमाल है। जब ये नगमा सरा होती हैं तो देखने वालों को और सुनने वालों को आबदा परवीन उस कलाम और रागनी की कैफियत की गहराइयों तक ले जाती हैं, और उस वक्त खुद इनकी अपनी कैफियत भी इससे मुख्तलिफ नहीं होती। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी कारकर्दगी के एतराफ में इन्हें तमगाए हुस्ने कारकर्दगी 1984 अता किया। इसके अलावा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह अवार्ड 80-81, सच्चल सरमस्त अवार्ड 81-82, कलंदर अवार्ड, टीवी अवार्ड और बहुत से अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। ये आवाज इस वक्त अपने पूरे वजूद के साथ हमारे सामने तशरीफ फरमा है। अच्छा आबदा साहिबा, एक बात हमने महसूस की जी, कि जब आम तौर पर आप स्टेज पर पेश करती हैं कोई कलाम या रेडियो से गाती हैं जी, या हम टीवी पर आपको देखते हैं जी, तो कैफियत तो वहां भी हमें महसूस होती है कि है, लेकिन इस वक्त जब आप अपना रियाज कर रही थी तो हमने आपको बहुत ही मुनहमिक देखा जी। तो आपके ख्याल में जब एक फनकार रियाज करता है उस वक्त, या जब वो सामने होता है लोगों के उस वक्त, इन दोनों कैफियतों में क्या फर्क है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जो फनकार की जो सच्चाई है ना, जो एक तख्लीकी जो मरहला है जी, वो रियाजत के वक्त होता है जी। क्योंकि सुरों में और आर्टिस्ट में उस वक्त कोई दरमियान में और कोई नहीं होता। अच्छा, सुरों से गुफ्तगू होती है? हाँ, सुरों से गुफ्तगू होती है और सुरों से ही बातें होती हैं, सुरों को बनाया जाता है, वो आर्टिस्ट उसको बनाता है, संवारता है, और फिर उसको वो जो तख्लीकी मरहला होता है वो जब मुकम्मल हो जाती है एक चीज तो हम उसको इससे स्टेज पे लाते हैं। अच्छा। मगर जब अच्छा सुनने वाला मिलता है जी, तो फिर वो जो जिस तरह आपने महसूस किया कि रियाज में हम महव होते हैं जी जी, उसी तरह से हम फिर फंक्शन में भी महव होते हैं, लोगों के सामने महव होते हैं जी। अच्छा, लेकिन एक बात ये भी है, मगर ये जो गाना है कतई कलामी जी, तो ये अपने लिए होता है। दुरुस्त। और अपने गाने सुनने वाले वो बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ ये करना पड़ता है कि अगर लोग नहीं भी सुनते जी, तो हम अपने आप को सुनाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था कि कोई महफिल यकीनन ऐसी भी हो जाती है कि जहाँ हमने देखा भी है कि जो कैफियत आपकी है वही सामईन की भी है जी, तो वहाँ फिर आपको गाने का लुत्फ आता होगा जी। हाँ, बस फिर वो तो कैफियत वही रहती है जो गाने वाले की होती है जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सिलसिला है आपका मौसीकी से इतना वालिहाना लगाओ जी, इसका आगाज कैसे और कब हुआ? हमारे सिंध के कदीम शहर लाड़काना में जी, वहाँ एक म्यूजिक स्कूल था मेरे वाले साहब का जी, तो इसी तरह से हमारे घर में मौसीकी जारी थी जी, तो इसी तरह से मेरा शौक जो है वो बढ़ता रहा। अच्छा। और इसी तरह से जो स्कूल में छोटे से फंक्शन हुआ करते थे वहाँ पर भी मैं हिस्सा लेती थी जी, तो इसी तरह से ये शौक और बढ़ा। अच्छा।
تو یہ آپ نے فرمایا کہ گھر میں آپ کے والد صاحب نے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا مسیحی کا لاڑکانہ میں، تو آپ بھی ان کی شاگرد تھیں اور ہیں؟ جی جی، میں بالکل وہاں پر جایا کرتی تھی، اور یعنی اتنا میں کہوں کہ شارپ دماغ تھا میرا کہ جو شاگرد وہاں اسٹوڈنٹ سیکھنے آتے تھے اس سے، یعنی ان سے جلدی سیکھ جاتی تھی میں، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے اتنی والہانہ محبت پیار تھا کہ اس نے تو پھر اوپر آنا ہی تھا اور ظاہر ہونا تھا۔ اچھا، والد صاحب کے علاوہ اور کن اساتذہ سے آپ نے موسیقی کی تعلیم حاصل کی؟ ویسے جی، ویسے یہاں میں ایک سوال اور کر لوں پہلے، کہ آپ کے والد کا اسم گرامی؟ غلام حیدر خان کا نام ہے، اور ویسے میں استاد سلامت علی خان صاحب کی بھی شاگرد ہوں، کیونکہ یہ علم جو ہے اس کو دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے سیکھنے کے علاوہ، تو ان بزرگوں کی اگر دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں تو وہ رنگ لاتی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ جو غزل گاتی ہیں یہ غزل اس غزل سے کافی مختلف ہے جو عام طور پر گائی جاتی تھی، یا گاتے ہیں لوگ اپنے انداز میں، لیکن آپ کی گائیکی میں خصوصاً سندھی کی جو لوک موسیقی ہے اس کے اثرات بہت نمایاں اور واضح ہوتے ہیں، بلکہ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کو سمو بھی لیا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ پہلے غزل کا انداز عام کیا ہے، اور پھر آپ نے کیا تجربہ اس میں کر کے غزل کو نیا رنگ دیا ہے؟ اب اس میں میں تھوڑا سا وضاحت بھی آپ کو کر کے بتاؤں گی، اور پہلے میں آپ کو جو 10-12 سال پہلے ایک مہدی حسن صاحب کی غزل ہے جو میں بچپن میں بھی گنگنایا کرتی تھی، میں آپ کو سناتی ہوں۔ جی ضرور۔ کیونکہ اس میں کلاسیکل موسیقی کا زیادہ انداز ہے۔ جی، اس میں انداز ہے، اس میں جو ہے وہ کلاسیکل کا انداز زیادہ ہے۔ جی اچھا، اب جو نیا تجربہ میں نے کیا وہ یہ تھا کہ یعنی سندھی لوک رنگ کو میں نے غزل کا انداز میں اس کو سمویا۔ وہ اس طرح سے ہے، اب اس کا یہ ہے کہ پہلے یہ سندھی غزل ہے، جی اس کا میں ڈھانچہ آپ بتاتی ہوں۔ جی بتائیں۔ رمزوں رسنا جو یار تم، رمزوں رسنا جو یار تم، سچ چو سجن کہیں سکھیں، رمزوں رسن جو یار تم، رمزوں۔ اب یہ تھا، اب یہ بہت انشا جی کا ایک غزل ہے، بہت ہی مشہور ہے، اس کو ہم نے یہ کیا، اور اس کے ردم میں بھی اسی طرح سے ہم نے تھوڑا سا چینج کیا۔ کل چودھویں کی رات
थी सब भर रहा चर्चा तेरा, कल चौदहवीं की रात थी सब भर रहा चर्चा तेरा। ये इसका है। अच्छा साहब, ये वाकई बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ आपने। अच्छा, मैं आपको इसका एक ये भी बता दूं कि जैसे समझ लें कि अंदाज सही जो है जी, वो तो गजल गाने का वही है जो मैंने आपको पहले बताया जी। मगर चूंकि अब जमाना ये भी चाहता है कि थोड़ा सा गजल को हम यानी तेज लय में सुने, तेज टेम्पो में सुने जी, तो अब ये आ जाता है कि लोग ये चाहते हैं कि हम डिस्को में गजल सुने जी। अब डिस्को में गजल हम इस तरह नहीं सुनेंगे कि हमारे जो लोक मौसीकी हैं जी, जैसे पंजाब की लोक मौसीकी है, जैसे सिंध की है, सरहद की है जी, बलोचिस्तान की है जी, हम उसकी लोक मौसीकी को क्यों ना इस्तेमाल करें, ताकि वो जो मकसद है लोगों का वो भी बयान हो और हमारी तारीख की पहचान भी हो, साथ साथ हमारी पहचान भी हो, ताकि हम अपनी तारीख को भूलें तो ना। अच्छा, आपके ख्याल में ये क्लासिकी मौसीकी हमारी जो कदीम है और उसके साथ साथ ही लोक मौसीकी जो मुख्तलिफ इलाकों की, जैसा कि आपने फरमाया, तो ये हमारे इन तमाम तकाजों को पूरा करती है? बिल्कुल करती है। यानी हमारे आज के जो नगमे हैं, जो गीत हैं, उनमें हम लोक मौसीकी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने भी खुद कहा बिल्कुल, और क्लासिकी मौसीकी का भी कोई हल्का फुल्का रंग उसमें होता जी है। हाँ। तो ये हमारे तमाम तकाजे पूरे होते हैं इससे? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि एक आपको हल्की से सुनने को चीज मिलती है और वो है भी गजल जी, जी जो आपको गाने में भी आसानी होगी जी, और इसी तरह से जो है वो भी रंग था दुरुस्त, जो उसका सही रंग है, सही रंग था जी। अच्छा, आपने डिस्को की बात की, तो अब ये सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं कि आपके ख्याल में पॉप म्यूजिक जो है जी, वो हमारे अपने माहौल के लिए कहाँ तक मुनासिब है? वो मैंने यही अर्ज किया कि हम उसको कबूल नहीं करते। अच्छा, वजह इसकी? हाँ, उसकी वजह ये है कि हमारे जो मौसीकी में उसका कोई भी यानी टेम्पो मिलता नहीं है। अच्छा, मिलाप नहीं कहीं? मिलाप कहीं अच्छा, भी नहीं है जी। और मैं ये चाहती हूँ अपने तौर पे कि हम क्यों अपनी गजल को एक ऐसे रंग में ढालें जी, जो हम ये चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, मगर ऐसा नहीं है जी, जी। हम अपनी चीज को बिगाड़ के बाहर क्यों भेजें? दुरुस्त। तो इसी तरह से हम अगर अपने इलाके की चीजों को हम अपने मौसीकी में लेंगे, यानी उर्दू को शामिल करेंगे जी, तो उससे ज्यादा क्या अच्छी बात है। और क्योंकि हमारे जो मिजाज जो है हमारे, उसमें ये बात नहीं आती डिस्को वाली। अच्छा, एक बात ये भी बताइए कि ये तो बड़ी यानी बारीकी की बातें आ गई, लेकिन यहाँ से फिर हम चलते हैं वापस जरा माजी की तरफ जी, कि आपकी आवाज का ये सफर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से शुरू हुआ जी, तो यहाँ जब आप तशरीफ लाई तो किस प्रोग्राम के लिए आपने गाया और पहला नगमा आपका कौन सा था, जरा ये बताइए। पहले जब मैं यहाँ पर आई, वो मुझे बचपन में ही शौक था कि जैसे और लोगों के आवाज आते हैं रेडियो से जी, जी, तो मेरा भी आना चाहिए जी। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर पहुंची तो मुझे तो रेडियो वालों ने फेल कर दिया अच्छा जी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ अरसे के बाद आए और ऑडिशन दीजिए, प्रयास करें कुछ निखार जी, हाँ, पैदा करें जी। अच्छा, तो उसके बाद मैंने एक यहाँ से बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता था जी, तो उसमें ऑडिशन लेने के बाद भी वो अपने उसमें वो कराते थे, वो फाइनल एक फैसला कुन बात होती थी कि जिसका भी अच्छा इसमें आवाज निकला तो हम उसको रखेंगे, अच्छा अगर नहीं हुआ तो उसको हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे जी। तो इसी तरह से एक साहिब रिनू शाह का एक कलाम था जी, मन घुरे मुश्ताक असां जियरे जुदायूं कीमत, तो उस जमाने में वो मैंने रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, तो बड़ा सामईन को भी पसंद आया। अच्छा साहब, देखें सामईन को क्यों पसंद आया, जरा थोड़ा सा हमें भी आप सुनाइए। जी।
یہ تو واقعی نغمہ خود بول رہا ہے کہ پسند آیا ہوگا, اور ہم تو سن چکے ہیں اسے, لیکن جی اپنے سامعین کے لیے ہم نے آپ سے سنا. اچھا یہ فرمائیے کہ اب تک جن زبانوں میں آپ نے پرفارمنس دی ہے جی وہ ہیں سندھی, سرائیکی, اردو, پنجابی. جی بلوچی اور پشتو زبان جو ہمارے دو صوبوں کی زبان ہیں جی, تو ان میں ابھی تک آپ نے کوئی کوشش کی ہے یا نہیں کی, یا کیا ارادہ ہے؟ میں جی بالکل, جو بھی زبانیں ہیں وہ میں سب اپنی زبانیں سمجھتی ہوں, تو فی الحال تو جو میں نے کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. باقی یہ بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ میں اچھی طرح سے ان کو گا سکوں, نبھا سکوں. تلفظ کا مسئلہ ہوگا, تلفظ کا مسئلہ ہے, ذرا اچھی طرح سیکھ لیں تو اس کے بعد ضرور گائیں گے. اچھا یہ فرمائیے کہ ایک تو آپ کی موسیقی کی تعلیم جی, اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے جو فنکار ہیں زیادہ تر سبھی ویسی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جی, تو آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ میں نے انٹر تک کیا ہے. انٹر تک. اچھا ایک بات ہم پوچھیں, عام طور پر فنکار ان سوالوں کا جواب دیا نہیں کرتے, لیکن شاید آپ دے دیں کہ آپ اپنے علاوہ اور کون سے ایسے فنکار ہیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں ہمارے ملک کے؟ اور آپ, میں یہ اپنے طور پہ بتاؤں کہ وہ جو متاثر ہونا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی سے وہ آرٹسٹ نہیں ہو سکتا جو کسی سے متاثر نہ ہو جی, کیونکہ اچھے لوگوں سے ہی متاثر ہوتے ہیں تبھی جا کے وہ اچھے لوگوں میں شمار ہوتے شمار ہیں ہوتے. تو اسی طرح سے فنکار بھی ایک فقیر کی طرح ہوتا ہے جی, جو اپنے کشکول میں جو بھی جہاں سے مل جائے وہ چیز ڈالتا جاتا جمع کرتا رہتا ہے. تو اسی طرح سے جو بھی اچھے لوگ ہیں پاکستان کے, جو بھی اچھے گلوکار ہیں گلوکاریں ہیں, مجھے بہت بے حد پسند ہیں جی, اور ان کو سن سن کے میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اچھا انہیں کی ہونے سے. اچھا مطلب کوئی خاص نام آپ نہیں دے سکتے؟ جیسے فریدہ خانم ہیں جی, جی اقبال بانو ہیں, مہدی حسن ہیں جی, جو اسی طرح سے استاد سلامت علی خان ہیں جی, استاد فتح علی خان صاحب ہیں جی, تو ان لوگوں کے نام ہمارے لیے محترم بھی ہیں, محترم ہیں جی, بڑے ہیں جی. اچھا جب آپ ریاض کرتی ہیں گھر میں تو آپ کی بچیاں, کتنی بچیاں ہیں آپ کی؟ تین بچیاں ہیں جی. تو وہ بھی یقیناً سنتی ہوں گی, تو کیا جی ان میں سے کسی کو گنگنانے کا شوق ہے؟ جی ہاں بالکل, میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ جب میں ریاض کرتی ہوں تو وہ آ جاتا ہے میرے پاس. اچھا بیٹا آتا ہے؟ ہاں. اچھا جی, تو بیٹیاں جو ہے وہ صبح اسکول چلی جاتی ہیں, تو اسی طرح سے وہ آ کے اور وہ بھی اپنے سر لگانا شروع کر دیتا ہے. ہاں اس کے تو اپنے سر ہیں قدرت. جی جی. اچھا تو ایک بات یہ بتائیے, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اچھے گانے والے اگر نہ ہو سکیں تو اچھے سننے والے تو ہوں نا, ماشاء اللہ یہ میری خواہش ہے. بہت اچھی بات کہی, گانے کی قدر تو کریں. بالکل درست. اچھا آپ جب یہ موسیقی کی محفلوں میں شرکت فرماتی ہیں جی, اور وہاں مختلف الخیال لوگ بھی ہوتے ہیں سننے جی والے جی, کوئی زیادہ سمجھتا ہے, کوئی کم سمجھتا ہے, کوئی بالکل نہیں سمجھتا, لیکن اس کے سننے سے لگتا ہے کہ وہ بالکل سمجھ رہا ہے. ہاں زبان نہیں سمجھ رہا لیکن جذبہ اس تک پہنچ رہا ہے. ہاں اس کے بارے میں فرمائیے, کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب آپ کسی ایسے آدمی کو جانتی بھی ہیں کہ اسے وہ زبان تو نہیں آتی؟ اب محفل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لوگ میوزک سننے آتے ہیں جی, کوئی لوگ پوئٹری سننے کے لیے آتے ہیں جی,
तो इन दोनों का जो वो होता है, अब वो ये है कि मैंने ज्यादातर यानी अपने गाने को गाने तक महदूद नहीं रखा, मैंने मैसेज भी दिया अपने गाने में जी। तो इसी तरह से जो मेरी महवियत है वो बुजुर्गों का कलाम है जी। उसकी सिलेक्शन है अच्छा। और उसके समझ के जब मैं गाती हूँ तो मैं खुद भी मुझे पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में जैसा आपने भी फरमाया कि कलाम का इंतखाब बहुत जरूरी होता है। जी जी, कलाम अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कलाम दुरुस्त नहीं है इस लिहाज से, गायकी के लिहाज से, तो वो यानी आइटम कामयाब नहीं हो सकता। तो जब आप इंतखाब करती हैं तो किस बात का ख्याल रखती हैं? मैं ज्यादातर यानी अच्छे कलाम को तरजीह देती हूँ। अच्छा। और उसको जहाँ भी मुझे पता चलता है कि उस शहर में इन लोगों के पास अच्छा कलाम है, फकीरों के पास, जैसे सचल सरमस्त पे फकीर हैं, तो यानी किताबों से ज्यादा जो छपे किताब छपे हुए हैं उनसे ज्यादा जो अच्छा सिलेक्शन होता है कलामों का वो वहाँ के फकीरों के पास होता है। अच्छा अच्छा। जो भी बुजुर्गों के फकीर होते हैं तो इसी तरह से हम उनके पास चले जाते हैं, वहाँ से जाके लेते हैं। यहाँ मुझे एक बात, इतनी हद तक हमें इश्क है, यही बात मुझे याद आ गई कि आपको जो तमगा उसने कारकर्दगी दिया गया है उसमें दो बातें वाज़े तौर पर हैं जिन पर आपको दिया गया। एक तो ये कि गजल को आपने नए अंदाज में पेश किया है जिसमें सिंधी मौसीकी के असरात भी नुमाया किए, और दूसरे आपने सूफिया कराम का कलाम बड़े भरपूर अंदाज में गाया है जी। तो आप जो चीजें गाती हैं उसमें गजल भी हैं, गीत भी हैं, दोहड़ा भी है, काफी है, लोकगीत है, कौन सी सिंफ आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है सिंफ वो काफी की सिंफ है। काफी अच्छा। तो फिर आप हमें थोड़ी सी जरा उसकी कुछ हिस्सा हमें सुनाएं। अच्छा साहब, ये तो आपने उसका थोड़ा सा हिस्सा में सुनाया काफी का, उसके अलावा भी आपने जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि गजल गीत, दोहड़े और काफी लोकगीत सब गाए हैं। ये और बताइए हमें कि जो हमारे तीन मीडिया हैं, थिएटर है या स्टेज कह लीजिए उसे जी, स्टेज, रेडियो और टेलीविजन, तो इसमें गाने का लुत्फ आपको कहाँ महसूस होता है? मुझे स्टेज पे ज्यादा होता है जी। अच्छा, वो इस वजह से कि पहले तो मैं ये बयान कर दूं कि रेडियो पे ज्यादा डिफिकल्टी है, वो इस तरह से कि हमें एक्सप्रेशन जो देना पड़ता है, खुशी का इजहार हो या गम का, वो आवाज के जरिए देना पड़ता है जी। अब टेलीविजन आ जाता है जी। उसमें अगर आवाज के जरिए एक्सप्रेशन नहीं है जी। तो हाथों के जरिए, अपने फेस के जरिए किसी हद तक वो हो सकता है जी। सेट के जरिए, इसी लिहाज से अब स्टेज जो है जी। वो ज्यादा डिफिकल्ट इस वजह से है कि वहां पर उसी वक्त हमें रेस्पॉन्स मिलता है, अगर उनको नहीं अच्छा लगा तो वो भी उसी वक्त वो कह देंगे कि दाद और बेदाद एक साथ। तो ये बातें हैं। अच्छा, जब आपने बताया महफिल का वाकया, तो कोई किसी महफिल में कोई बात आपके लिए कही गई हो, कोई जुमला किसी ने कहा हो, कहीं लिखा गया हो, जो यादगार आज तक आपको याद हो? मुझे एक बात याद है जो शायद मुझे मरते दम तक याद रहे, वो शाह लतीफ का उस मुबारक था
तो उसमें एक फिलासफी के उस्ताद महकरी आए हुए थे जी। उन्होंने मुझे वहां पर सुना जी। और वो सिंधी जबान को बिल्कुल नहीं समझते ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई जी। तो वो कहने लगे कि मैं जो तुम गा रही थी जी। वो बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा था खूब, जिस तरह से जी। नहीं जानते हुए भी मुझे समझ में आ रहा था कि तुम क्या गा रही हो जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कही कि तुम शाह लतीफ की स्पिरिचुअल डॉटर लगती हो, रूहानी बेटी, रूहानी बेटी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आवाज जो है उसकी कोई जबान नहीं है, सही। वो खुद ब खुद तर्जमान है अपना दुखों का, जज्बा है जो अपने जज्बों का, क्योंकि पहले जमाने में कोई जबान बनी नहीं थी जी। तो उस जमाने में सिर्फ आवाज ही इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह से ये बड़ा फोर्स है, मतलब ये बात आपको हमेशा याद रहती है कि बिल्कुल आपको ये कहा गया था और ये आपके लिए एजाज है, बेशक। अच्छा साहब, आपको काफी वक्त हमने लिया है, लेकिन एक आखिरी सवाल की जहमत आपको जरूर देंगे कि अब तक जितने नगमे आपने गाए हैं उनमें आपका सबसे पसंदीदा नगमा कौन सा है? घड़ोली मुझे अच्छा लगता है।